गत 22 दिनों से हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने आज पंडाल पर वैदिक मंत्रोच्चारण विधि से संत पुरोहित पुजारी द्वारा अनुष्ठान के साथ मुख्यमंत्री सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर 1008 आहुतियां दी। संत पुजारी संघ के पंडित रामचरण शास्त्री, पंडित शिवचरण शास्त्री, पंडित अमित कटारे ने वैदिक कर्मकांड विधि से सभी देवी देवताओं के उच्चारण के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय वेतनभोगी घोषित कराने मुख्यमंत्री सद्बुद्धि यज्ञ संपन्न कराया। संघ की अध्यक्ष लीला शर्मा ने कहा कि पचमढ़ी में चल रही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय वेतन भोगी घोषित करने पर कोई चर्चा न होने से आंदोलनकारियों में आक्रोश पनप रहा है। कार्यकर्ता सत्ता सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। ओम दुर्गा नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा। किस संबंध में ये यज्ञ किया था और क्या मांगे हैं आपकी? लगातार 7 तारीख से तो बैठे ही हैं, आप देख रहे हैं, और सन 89 से प्रयासरत है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की दिमाग में सद्बुद्धि ऊपर वाला दे, इसलिए हम लोगों ने यज्ञ आहुति की है। और जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि कई बार हम लोगों को भटका दिया गया है। 5 साल पहले 1,75,000 की घोषणा, फिर 18 में कुछ दिन के लिए 1,500 का घोषणा कर देना, दे देना और छीन लेना, इसलिए अब हम लोग लिखित लेंगे तब उठेंगे। तो अभी क्या आपके लिए आश्वासन मिला है क्या? अभी कुछ नहीं मिला।